सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 20 जून। जो गृहस्थी करना नहीं जानता उसका परमार्थ भी ढीला पड़ जाता है। माता पिता के दोष ना देखना ये सच्चे सपूत का लक्षण है। उसी प्रकार माता पिता को संतोष देना भी सच्चे सपूत का लक्षण है। पहले उनको संतोष दें और बाद में जो करना है सो करें। माँ का अंतःकरण अत्यंत कोमल होता है। हमारे दुखी होने से वो दुखी होती है और हमारी आनंद की वृत्ति माँ को आनंद प्रदान करती है। अतः बच्चों को हमेशा आनंद में रहना चाहिए और वे अपने चित्त में बेचैनी न होने दें। मधुर शब्दों से माता पिता को संतोष दें और उत्तर में यदि वे कुछ कहते हैं तो बुरा न माने। नौकरी चाकरी काम धंधा ये सब पेट के लिए सदा करना है। हम पैसा खूब कमाएं लेकिन उसे सुख का साधन न माने, क्योंकि केवल पैसों से सुख मिलता है ये भ्रम है। गृहस्थी में जिसे नुकसान होगा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नुकसान जिन शब्दों से होगा ऐसे शब्दों का उच्चारण न करें। अतिथि अभ्यागत को भोजन कराएं, किसी को विमुख न लौटाएं, निरुत्साही न बने, अपने को निराशा न छूने दें, सही सही व्यवहार के मार्ग से चलें और व्यवहार करते समय श्री राम का अधिष्ठान रखें। जो गृहस्थी ठीक करना नहीं जानता उसका परमार्थ भी ढीला पड़ जाता है। गृहस्थी की चिंता ही परमार्थ के लिए दीमक है। जिसे परमात्मा का आधार है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्री राम ही की जब समीपता है उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसे ये ठीक समझ आ गया कि मैं कौन हूं तो चिंता रहित वृत्ति हो जाती है। जिसके चित्त में हमारा त्राता राम है ये भाव दृढ़ हो जाएगा, वो सहज ही निर्भय होगा। जो अपनी देह को समर्पित कर देता है उसे चिंता का कारण ही नहीं रह जाता। श्री राम ही सब बातों का करता है ये तत्व जो चित्त में धारण करता है उसे पाप पुण्य का भय नहीं रहता। परमात्मा जिसका सखा हो जाता है उसे कहीं कोई खतरा नहीं रहता। हम जो सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ यही हमारे सब दुख और चिंता का कारण है। जो हो गया सो हो गया, आगे जो जो होने को है उसे कोई टाल नहीं सकता। अतः चिंता न करें, सभी बातों को साक्षी श्री राम है। जो जो भी अपना है मालिक राम है ऐसा समझें, तब श्री राम उसे संभालेंगे। तो फिर हम चिंता क्यों करें? बाल बच्चों की चिंता न करें, प्रभु राम को ही प्रसन्न करें। अपनी गृहस्थी राम की है ऐसा मानकर चिंता करना छोड़ देना चाहिए। जब प्रभु राम ही हमारी गृहस्थी के आधार हैं, तो चिंता की क्या बिसात। अतः चित्त में राम जानकर मुख से नाम स्मरण करें जिससे मन को शांति मिलेगी। सतत चित्त में एक बात रहे, रघुपति को न भूलें। सब सारों का सार यही है कि हम राम का भजन करें। श्री राम के बिना एक क्षण भी न रहना ही सबसे श्रेष्ठ नियम है। सबके कर्ता श्री राम है यही भरोसा पक्का रखें, फिर चिंता का कोई कारण ही नहीं रहेगा। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।